ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज को गलत कहना सही नहीं है। ये जो ब्रह्मांड है, ये जो यूनिवर्स है, इक्विलिब्रियम बैलेंस से चलता है। एक तरफ दिन है तो दूसरी तरफ रात का भी उतना ही महत्व है। हम कहते हैं सनलाइट, सूर्य का जो प्रकाश है, वो फसल को उगने में, प्लांट्स को उगने में मदद करता है। सनलाइट हेल्प्स प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। परंतु जितना जरूरी सनलाइट है बीज को अंकुरित करने के लिए, बीज का प्रस्फुटन करके उसमें से जो अंकुर बाहर आता है उसके लिए, उतना ही जरूरी अंधकार है, डार्कनेस है। इमेजिन कीजिए, आपके गाड़ी में यदि ब्रेक्स ना हो तो जितना महत्व एक्सेलरेटर का है उतना ही महत्व ब्रेक्स का भी है। तो आज हम इसी कड़ी में ऐसे ग्रह के बारे में बात करने जा रहे हैं जो जीवन में हम कह सकते हैं कि ब्रेक्स लगाने का कार्य करता है, या जिसको हम द डार्क प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, शनि, सैटर्न। दोस्तों, सैटर्न इज द प्लैनेट फार्देस्ट फ्रॉम द सन, सूर्य से सबसे जो दूरी पे ग्रह है वो शनि है। इसी दूरी के कारण जो है उसका जो ऑर्बिटल डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए जो है उसे सूर्य की परिक्रमा करने में काफी समय लगता है। इट इज द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट, एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहता है, और जिस राशि में शनि रहता है उसके आगे वाली राशि और उसके पीछे वाली राशि, तीन राशियों पर एक साथ प्रभाव डालता है। मान लीजिए जैसे अभी शनि है मकर राशि में, तो मकर राशि के आगे वाली जो राशि है कुंभ राशि, और मकर राशि के जो पीछे वाली राशि है धनु राशि, तीनों पर जो है शनि प्रभाव डालता है। इसलिए हम कहते हैं कि ढाई ढाई ढाई, कुल मिलाकर 7.5 वर्ष या 7.5 से जोड़ के देखा जाता है। और शनि जब भी नेटल चार्ट में चंद्रमा या लग्न या हमारे प्रमुख प्रोमिनेंट हाउसेस पे जब भी दृष्टि डालता है तो वह वर्ष, वह समय किसी की भी जीवन का डिसाइडिंग फेज रहता है, कुछ ठोस कर गुजरने का समय रहता है वो। एंड ऑल्सो सैटर्न शोज रिपीटेटिव टास्क। मान लीजिए एक दीवार है, बड़ी ही मजबूत दीवार है, पर आप उस दीवार पर जो है हथौड़े से चोट करना शुरू करते हैं, एक स्थिति आएगी, दीवार चाहे कितनी मजबूत क्यों ना हो, हथौड़े से रिपीटेडली चोट करने पर वो दीवार गिर जाएगी। तो ये है पावर शनि का, रिपीटेटिव टास्क का, डिसिप्लिन का हमारे जीवन में। सैटर्न इज ऑल्सो द प्लैनेट विच शोज डिसिप्लिन। आप घर से अपने कार्य क्षेत्र पे ऑफिस में आते हैं, एवरीडे कुछ यू अलॉट सम टाइम फॉर योर वर्क, डे टू डे रूटीन, डिसिप्लिन, मोनोटोनस टास्क, रिपीटेटिव टास्क इज ऑल सीन बाय सैटर्न। एक बड़ा ही महान मार्शल आर्टिस्ट हुआ ब्रूसली ने कहा कि मैं ऐसे व्यक्ति से नहीं डरता जो कोई किक या कोई मार्शल आर्ट टेक्टिक, 100 अलग अलग मार्शल आर्ट टेक्टिक्स या किक्स जानता हो, पर मैं उस व्यक्ति से जरूर डरता हूं जो एक ही किक